इन दिनों कलर्स टीवी के कई शोज काफी लाइमलाइट में बने हुए हैं। जहां एक तरफ चैनल पर कई शोज दस्तक देने को तैयार हैं, तो वहीं कई बंद भी होने वाले हैं। कुछ वक्त पहले ही खबरें आई थी कि चैनल ने कम रेटिंग्स के कारण एकता कपूर के शो धर्मपत्नी को बंद करने का फैसला भी ले लिया है, जिसके बाद तेरे इश्क में घायल शो को लेकर भी ये खबरें सामने आई थी। दोनों ही शोज के लास्ट एपिसोड की डेट तक रिवील हो गई थी, लेकिन अब इन दोनों शोज पर बड़ी अपडेट सामने आई है। जी हां, ऑफर होने की खबरों के बीच अब दोनों शोज को नया जीवनदान मिल गया है। दरअसल खबरें सामने आई है कि चैनल अभी शो को ऑफर नहीं कर रहा, धर्मपत्नी और तेरे इश्क में घायल शो को एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हां, जहां धर्मपत्नी नए टाइम स्लॉट पर टेलीकास्ट किया जाएगा, तो वहीं तेरे इश्क में घायल नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। खबरें हैं कि धर्मपत्नी, जो कि एकता के प्रोडक्शन में बना शो है, वो 12 जून से रात 10 बजे के टाइम स्लॉट पर टेलीकास्ट किया जाएगा, तो वहीं तेरे इश्क में घायल शो को जियो सिनेमा पर शिफ्ट किया जा रहा है 12 जून से ही। बता दें कि चैनल ने ये फैसला शो को मिल रहे रिस्पॉन्स को देखते हुए लिया है। बता दें कि जब से धर्मपत्नी और तेरे इश्क में घायल के बंद होने की खबरें सामने आई, तभी से सोशल मीडिया पर जनता दोनों शोज को बंद ना करने की मांग पर अड़ी थी। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक पर जनता मेकर्स और चैनल से यही मांग कर रहे थे कि शो की कहानी को और आगे बढ़ाया जाए और इसे बंद ना किया जाए। वहीं अब जिस तरह से इन मौके पर खबरें सामने आई हैं कि दोनों ही शोज को एक्सटेंशन मिल चुका है, जाहिर तौर पर उससे फैंस काफी खुश होंगे।